हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल इजी वे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी हमारी जो ऑडियो होती है, जो ऑडियो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बैकग्राउंड के नॉइज को हम कैसे हटाते हैं, वो भी एडोसिटी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है और आज देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं अपने लैपटॉप का जो माइक है उससे रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बगल की नॉइज भी काफ़ी आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपना हेडफोन्स का अगर यूज़ करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें मैं बोलूँगा आवाज़, लेकिन जो रिकॉर्ड करूँगा उसकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आएगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कोई यहाँ पे माइक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लैपटॉप की माइक यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और मैं उससे यहाँ पर आपको नॉइज़ को हटा के दिखाऊँगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसी यहीं का एक रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये विंडोज 10 का फ्रेंड्स रिकॉर्डर है, काफ़ी हद तक अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन नॉइज़ को बिल्कुल रिफाइन नहीं करता। चलिए, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुना पटेल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल इजी वे, स्वागत है आपका। एंड आज मैं आपको बताऊँगा कि हम अपनी बैकग्राउंड की ऑडियो को, नॉइज़ को कैसे हटाएंगे। चलिए, मैं इसे पॉज कर देता हूँ, यहाँ पर हमारी सेव हो गई। अब इसे मैं प्ले करूँ तो आपको कुछ ऐसे सुनाई देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुना पटेल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल इजी वे, स्वागत है आपका। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी बैकग्राउंड की ऑडियो को, नॉइज को कैसे हटाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं पहला रूल्स कि जब भी आप रिकॉर्ड करें तो 2 से 3 सेकंड तक आप अपनी आवाज़ को म्यूट रखें। इससे क्या हुआ कि आपकी जो रूम की जो नॉइज़ है, या फिर जहाँ पर भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ की नॉइज़ को ही एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी रिकॉर्ड कर लेगा। उतने से हम पूरी की पूरी ऑडियो की नॉइज़ को हटा सकते हैं। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुना पटेल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल इजी वे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी ऑडियो की बैकग्राउंड की नॉइज को हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से 3 सेकेंड का जो गैप रहा है फ्रेंड्स, इसमें मेरी क्या हुई कि हमारी जो ऑडियो का जो रूम का जो हमारा नॉइज है, वो सनसनान गड़गड़ाहट की आवाज है, वो बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। तो अब चलते फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसे डेस्कटॉप यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं कोई एक नाम देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं AUDIO रख देता हूँ, ऑडियो। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको अब यहाँ पे एडोसिटी को ओपन कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये एडोसिटी ओपन हो गई। उसके बाद से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ से छोटा कर लेता हूँ और जो हमारी ऑडियो है यहाँ पड़ी है, मैं इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। फिर फ्रेंड्स, इसमें हमें लाने के लिए फ्रेंड्स एक तरीका आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप जिससे ड्रैग कीजिए और यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे बता दूँ, एरर इंपोर्टिंग, यानी इंपोर्टिंग एरर इसलिए बता रहा है कि जो ये सपोर्ट करता है वो सिर्फ MP3 फाइल को ही सपोर्ट करता है। जब तक आपकी MP3 ना हो, या फिर वेब में अगर आप रिकॉर्डिंग किए हुए, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ऑडियो MP4 यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये मेरी MP4 है, तो मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे MP3 में कन्वर्ट करूँगा। तो कोई भी आपके पास जो भी कन्वर्टर हो, आप यूज़ कीजिए, उसको पहले MP3 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो भी आप उसे MP3 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर MP3 में होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर मेरा एक्सटेंसन MP3 है, गुड। यहाँ पर मैं चलिए कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, गुड। देन यहाँ पे जाता हूँ, मैं सी ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पे ये मेरा कन्वर्ट होके क्या है, ऑडियो वाला फाइल, यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी MP3 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ऑडियोसिटी को ओपन करता हूँ, देन इसे ड्रैग करके इसमें छोड़ देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आसानी से यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स अब कितनी आसानी से यहाँ पे ये चली आई। तो वैन अब उसके बाद से क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अदर से में जाएंगे तो यहाँ पे हम MP3 वेब से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वही है सेम जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, 7 Sevens का अदर थिंग। एंड देन एडिट में बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, रिमूवल का है, पेस्ट, कॉपी, कट, डिस्टेट वगैरह। तो यहाँ पर इफेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर, एंड देन जनरेट का भी हम यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना जी। फिलहाल हम आज हम सिर्फ नॉइस को हटाना सीखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये क्यों दिया हुआ है।
यहाँ है MME, ये है कि विंडोज डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे विंडोज वेस API दिया हुआ है। तो जो वेस API जो है फ्रेंड्स, ये आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल डिवाइस आपकी जो ऑडियोज को हाई डिफिनेशन में कन्वर्ट करती है, और उस डिवाइस को हम लैपटॉप से कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे हम चूज करते हैं। तो हालांकि मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बे हैं, तो देन हम यहाँ पे पहले ही से चूज कर लेता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स माइक यूज करना चाहते हैं तो आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगा। यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पे स्पीकर हेडफोन्स मैंने यूज़ किया हुआ है, ये चूज कीजिए, और यहाँ पर जाकर के आप माइक्रोफोन लिटल का हाई डिफिनेशन को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैं सेम टू सेम ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई रिकॉर्ड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अदर रिकॉर्डिंग को, मैं यहाँ पे नॉइज़ को हटाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस करके जूम कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस करके जूम आउट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो लाइन है मेरी, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे नॉइज दिख रहे हैं, यानी जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, यानी ग्राफ की तरह ना हो, तो समझ लीजिए कि आपकी वॉइस में बिल्कुल ही नॉइज नहीं है। अगर हो तो समझ लीजिएगा नॉइज है, कल से पता करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से यहाँ तक का मार्क कर लेता हूँ, बस आपको ले जाना है अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करना है, और प्रेस किए हुए यहाँ पे स्क्रॉल करके जहाँ तक छोड़ना है छोड़ दीजिए, यानी जो 2 से 3 सेकंड का मैंने गैप बताया था फ्रेंड्स, वो यही गैप है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्ले कर लूँगा, ठीक है, प्ले का ऑप्शन। तो यहाँ पे नॉइज मुझे सुनाई दे रही है, शायद आपको कम सुनाई दे, ठीक है, लेकिन नॉइज यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी नॉइज है, ठीक है। अब इस नॉइज को हम रिमूव करने के लिए कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे तो सिलेक्ट कर लिया, फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में आपको काफ़ी तरह के यहाँ आपके यूज मिल जाएंगे इफेक्ट, लेकिन हमें नॉइज हटाना है, तो यहाँ पे नॉइज रिड्यूसर में चला जाऊँगा मैं। उसके बाद से गेट नॉइज, पहले हम नॉइज को प्राप्त करेंगे, यानी कितना नॉइज है, जैसे नॉइज के मैंने प्राप्त कर लिया, जितना दूर है इतना दूर है मेरा नॉइज सिलेक्ट हो गया, यानी पूरी की पूरी में अब मुझे यहाँ पे नॉइज निकालना है, यानी कि पूरी पूरी ऑडियो में से नॉइज को निकालने के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, तो इसने सिर्फ नॉइज को ही सिलेक्ट किया फ्रेंड, आपकी ऑडियो को इसने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने पहले थोड़ी सी सिलेक्ट किया था, अब हमने पूरी की पूरी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से जाऊँगा इफेक्ट में जाऊँगा, और इस बार फिर मैं नॉइज एडिशन में जाऊँगा, लेकिन इस बार गेट नॉइज नहीं करूँगा, इस बार मैं सीधे ओके पे प्रेस कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये रिड्यूस करना शुरू कर देगा, देखिए आप देख सकते हैं फर्क, पहला आपने देखा होगा यहाँ पे काफी मतलब ऊपर नीचे चढ़ाव ग्राफ की तरह हल्का सा था, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन लाइन हो गया। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, हालांकि मैं लैपटॉप का बिल्कुल साउंड खोल के बैठा हूँ, मेरे पास कोई हेडफोन नहीं है, ना ही कि मैंने यहाँ पे कोई अपना माइक यूज कर रखा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे नॉइज मुझे नहीं सुनाई दे रही। अब मैं अपनी आवाज़ को सुनाता हूँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करके। चलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुना पटेल, आप देख रहे हैं यूट्यूब की चैनल इंजॉय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम भी ऑडियो, तो फ्रेंड्स देखते कितना आसानी से मेरा नॉइज बिल्कुल यहाँ से हट गया फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप भी नॉइज हटा सकते हैं, अगर एक बार में नहीं होता तो दो बार में कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर इफेक्ट में जाइए, फिर नॉइज एडिशन में जाइए, फिर गेट नॉइज कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, सभी को सिलेक्ट कीजिए, फिर इफेक्ट में जाइए, नॉइज एडिशन में जाइए, फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आप, यहाँ से नॉइज और हट जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसने तो इतना तो मेरा नॉइज हट गया है, लेकिन मेरा क्या किया, जब पूरी नॉइज हट जाती तो अब यहाँ पे भी मेरा साउंड पे भी थोड़ी बहुत ये अपना प्रेशर, यानी थोड़ी बहुत उसमें से भी नॉइज हटाना शुरू कर देता है, यानी मेरे साउंड में से भी काटना शुरू कर देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हल्की सी नॉइज आप यहाँ से हटाइए, और यहाँ से अगर आप रिकॉर्ड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो काफ़ी मतलब हद तक ये एक ऑडियो आपकी रिकॉर्ड होगी, और उसे आप अपने मेक रिकॉप में या कहीं भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं आज मैं नॉइज़ के लिए बताया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इको करना बताऊँगा, कंप्रेसर का यूज़ करना बताऊँगा यहाँ पे, और बहुत काफ़ी यहाँ पे ये एम्पलीफायर का भी अच्छा खासा यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। फेड इन फेड आउट का तो और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अब मैंने यहाँ पे तो नॉइज तो हटा लिया, लेकिन मैं इसे सेव कैसे करूँगा, यानी अपने फाइल में, तो सेम वही आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव अदर में जाना होता है, उसके बाद से यहाँ पे एक्सपोर्ट एज वेब करना होता है, हमेशा वेब में सेव कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेब में मैं सेव करता हूँ,
उसके बाद से यहाँ पे अब मुझे नाम दूसरा देना है, तो माई ऑडियो गुड, ठीक है, एंड देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप होंगे यहाँ पे आर्टिस्ट नेम, यहाँ पे कोई आप नाम डाल सकते हैं, जैसे कि आपने MP3 वगैरह चलाया होगा तो देख सकते हैं कि आर्टिस्ट नेम आता है, किसने गाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक नेम भी आता है, यानी किससे रिलेटेड है, एल्बम टाइटल भी आता है। आपने काफ़ी ऐसे सॉन्ग सुने होंगे मोबाइल पे प्ले करके जो आपको दिखाई देता है। आप ट्रैक नंबर भी खुद का डाल सकते हैं, कौन से ईयर में आपने रिलीज़ किया हुआ है, जनरेट कीजिए। कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, और सब करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया माई ऑडियो, प्लीज़ आ गया। ठीक है, आप इसे प्ले करें, हम चलिए करके देख लेते हैं। मैं इसे चूज करता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुना पटेल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब की चैनल इजी वे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम भी ऑडियो की बैकग्राउंड की नॉइज को हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपके पास कोई भी महंगी डिवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो इस तरह करके आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और नॉइज को हटा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरफ से मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।